तो मेरे हेयर स्टाइल पे नज़र मत डालिएगा, क्योंकि वो कोई हेयर स्टाइल नहीं, हेलमेट लगा लगा के ऐसे हो गए बाल। तो आज मैं अपने कुछ फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो आप अपने सामने देख सकते हैं। तो इनकी डिमांड की है उनने, तो उन्हीं से मैं मिलने जा रहा हूँ, और उनके पास पहुँच कर मैं आगे की कहानी आपको समझाता हूँ। तो आज अपनी स्कूटी से निकलने वाले हैं, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ डिक्की में डालूंगा, और प्लस साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हेलमेट पे कैमरा है उसको मुझे फिर से रीसेट करना पड़ेगा, सही जगह से लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा व्यू जो है वो काफ़ी डाउन है। तो चलिए स्कूटी से आज निकलते हैं। ओ महिंद्रा मरेज़ो। एक चीज़ और कि जहाँ हम जा रहे हैं वो कैंट एरिया है, तो अपना कार्ड भी मुझे लेना ज़रूरी था, तो ले लिया मैंने। अब देर ना करते हुए चलते हैं, क्योंकि आधे घंटे का टाइम है अपने पास। कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। मुझे इस चीज़ का डाउट था कि कैंट के अंदर एंट्री मिलेगी कि नहीं, पर मिल गई है। फिलहाल मैं दूसरे रास्ते से घूम के आया, जिस रास्ते से पहले जा रहा था उस रास्ते में मैंने देखा कि बैरियर लगा हुआ था, बंद था। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं कैंट के अंदर। यहाँ पे तो खाना बाजार पड़ता है, उसी में मेरे फ्रेंड की शॉप है, तो वहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनके पास मैं जा रहा हूँ। मार्केट तो पूरा बंद लग रहा है। नहीं, मार्केट एक्चुअली खुला हुआ है, जब सामने से देखो तो पता चल रहा है। तो जो फ्रेंड के यहाँ मैं आने वाला था शॉप पे, वहाँ मैं आ गया हूँ। तो ये रहे वो। और क्या हाल चाल? बस बढ़िया, और बताइए। बस अपना भी बढ़िया है। और कहाँ, मतलब कोई काम से आए थे? बस भाभी ने बुलाया था इसलिए आए थे। अच्छा चलो। देखा, इतना सॉफ्ट कपड़ा कहीं मिलेगा नहीं। कोई नहीं, किचन साफ करने बन रहा है ना, है? बना है ना ये? नहीं तो मिला है। नहीं, किचन साफ करने के लिए मिलेगा। तो ये देखो ना, किचन साफ करने के लिए कहाँ मिला, इसके बना तो है। फ्रेंड के बारे में मैंने बताया था, मैं वहाँ आ गया हूँ उनके शॉप पे, और ये थे COVID-19 के पेशेंट। तो ये अपना एक्सपीरियंस अभी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्या क्या हुआ वहाँ पे, तो बताइए जी। वहाँ का तो ये था कि काफ़ी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया और सही एक्सपीरियंस रहा कि हॉस्पिटलाइज। बहुत से लोगों की राय ये थी ना कि हॉस्पिटल में लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा। कि मतलब गलत व्यवहार की किस तरह से उनको रोका जा रहा है या इस तरह से, तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो आपको एक तरह से घर में जैसे आपको रोक के रखते हैं, उस तरह का व्यवहार घर वहाँ पे रहता है खाने पीने के लिए। हाँ, खाने पीने में आपको सबेरे चाय आ जाती थी 7:30 बजे के करीब, फिर 10 बजे के करीब दूध और ब्रेड आता था, उसके बाद 1 बजे के करीब जूस आता था। और सुनने में आ रहा है कि मोबाइल वोबाइल की कुछ पाबंदी, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा आप वहाँ पे घर से किसी घर में किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कि भाई घर वालों को जानने का हक है ये चीज़ का। वो तो है, वहाँ पे कोई मनाही नहीं है इस तरह की। तो देखा आपने, जाना कि कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही, अगर पॉजिटिव आते भी हैं आप तो उसको मैं डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की लोग इस तरह से कोरोना को बनाए हुए हैं कि बड़ा हैवी, उस हिसाब से है नहीं। मेन ये है कि आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ आपका मनोबल खुद का बड़ा होना चाहिए कि हाँ कुछ नहीं, हम लड़ सकते हैं। वो तो वहाँ के लिए कुछ नहीं है, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं एक दिन भी ऐसा नहीं लगा मेरे को कि मैं COVID-19 का पेशेंट हूँ। अच्छा। वहाँ के डॉक्टर लोग भी कह रहे थे कि मतलब मेरा दिन में 2-2 बार ब्लड लिया जा रहा था। अच्छा। और स्टूल टेस्ट भी हुआ तो उसमें कुछ निकला नहीं है। तो सुना आपने कि कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, और आपको खाने टाइम टू टाइम मिलता रहता है, आप अपने खाना मिलता है, मोबाइल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखो बिल दिया जाएगा पर गवर्नमेंट भरेगी इसका। हाँ, ये देखो, जहाँ जिस दिन मैं गया था 21 तारीख को PGI में एडमिट हुआ था, तब का ये रजिस्ट्रेशन 1 साल तक के वैलिड है मेरा, 2021 तक के। उसके बाद से ये 5100 रुपये से हमारा एडमिशन क्लियर हुआ, ये जीरो कर दिया गया, तब मेरे को एंट्री मिली थी। ये प्रोडक्ट है देखो, बढ़िया है। ये पॉलिश के लिए अलग होता है, ग्लास के लिए अलग है, जैसे शीशे का ग्लास ग्लास के लिए अलग है, पॉलिश के लिए अलग है, फिर उसके बाद पफिंग के लिए लास्ट ये प्रोसीजर रहता है।
और इसमें ये आपको दो कपड़े मिलते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, 450 GSM के हैं, बहुत सॉफ्ट है, खुद हाथ लगा के दिखा सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट है तो बढ़िया है, और कपड़ों की अपेक्षा कर काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और प्लस ये स्प्रे रहता है, इसके थ्रू आप अपनी गाड़ी मतलब इस पर राउंड करना पड़ेगा, ये ऑफ रहता है, अच्छा ये सेट रहेगा, ये ऑफ रहेगा, और फिर आप इस पर दबाओगे ये स्प्रे में आ जाएगा, जो हमें अच्छा लगा था इसलिए। तो ये क्या बेस्ट प्राइस के थ्रू ओपन कर रहे हैं? ये अपना मतलब खुद का कर रहे हैं उनसे, मतलब ये है कि टाई अप है, टाई अप करते हैं। अच्छा बढ़िया है। ये कैंट एरिया एक तरह से मार्केट है जहाँ पे हम लोग आए हैं, और फ्रेंड अपनी शॉप यहाँ पे मुझे दिखा रहा था, प्रिंटिंग वाली मशीन बोल रहे हो ना, टी शर्ट प्रिंट कर पाएगी, और टी शर्ट प्रिंट है और वो बिजनेस सोच रहे हो ना, तो मशीन रखोगे मतलब बस यहाँ पे इतने में आ जाएगी, मतलब उस साइड करेंगे इस तरफ, तो ये दूध का रहेगा ना, अच्छा उस तरफ ये हिस्सा, उस तरफ का हिस्सा, अच्छा। वो इनके अंडर में आ जाएगा, अच्छा मेन मालिक ही हो जाएंगी। हाँ। अभी भी तो मेन मालिक वही है, है तो वही, पर आएंगे नहीं ये, इनका सिर्फ फोन नंबर डलेगा कॉन्टेक्ट पे, मतलब अच्छा। कोई ऑर्डर कोई कुछ होगा, बाकी एज ए वर्कर आप हो, एज ए सेल्समैन हो, सेल्समैन से लेना है, अच्छा तो वो सब काम हमारा है। अच्छा वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए साथ में रखो, ज्यादा सही है। हाँ अभी यार क्या खाया, क्या नहीं खाया, चाय पी नहीं पी, वो सारा आधी पौन घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, इससे अच्छा साथ में ही रखो, वो ठीक, फोन आएगा ही नहीं, मतलब आप राय देना चाह रहे हो मर्दों को कि साथ में बीवी का रखो तो शक भी नहीं करेगी। सबसे बड़ी चीज देखो, जो अपनी सेटिंग बनाए रखे उनके लिए तो बता नहीं सकते, वो तो गर्लफ्रेंड को दिए आएंगे, बीवी को घर में छोड़ आएंगे, लेकिन उनके लिए तो खतरा है, मालूम है जैसे चीज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ काम में जुटो फिर घर जाके कहा घर में रहो। तो अभी जो भैया है ना वो एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं जिसमें टी शर्ट प्रिंट मग प्रिंटिंग आपने सुना होगा, अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो खाना बाजार ये पड़ता है, तो ज़रूर आप यहाँ पे आ सकते हैं कैंट में, इनसे प्रिंट करवा सकते हैं मग या टी शर्ट, तो जल्दी ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले, कब तक हो जाएगा फिलहाल? तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा, 1 से 2 महीने के अंदर ये स्टार्ट कर देंगे मशीन। कोशिश ये करूँगा कि रक्षाबंधन से पहले हो जाए। अच्छा है, फिर से पहले से ही आपको कांग्रेस आपके बिजनेस के लिए। हाँ ओके थैंक यू। हाँ बताओ कब से खुल रहे हैं स्कूल? 30 जुलाई से। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पता है मैं तुमको कि 30 जुलाई खुल जाएगा, अगले साल खुलेगा, अगले साल खुलेगा, बच्चे तो यही चाहते हैं अगले साल खुले। तो बस फिर आज चलते हैं भैया की, जब शॉप कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आएंगे आपको यहाँ का एक बार टूर दिखाएंगे, तो ओके बाय बाय। वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले। कोशिश करें घर पे रहें, खुद सेफ रहें, अपनों को सेफ रखें, मिलते हैं, सी यू अगेन, गुड बाय।